बांदा, विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में ललित कला मंच के वैन तले किया गया पौधारोपण। बांदा जनपद के बबेरू में 5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर ललित कला फाउंडेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन माननीय अध्यक्ष श्री अशोक शिवहरे केकर कमलो द्वारा किया गया संपन्न। इसके तत्पश्चात सरस्वती शिशु मंदिर के प्रांगण में नीम और आम का वृक्ष लगाए गए तथा 1 अगस्त से वृहद वृक्षारोपण किया जाएगा। वही वृक्ष लगाए जाने के पश्चात नरेंद्र कुमार अवस्थी के द्वारा बताया गया कि आज राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन के पश्चात सरस्वती शिशु मंदिर बबेरू में वृक्षारोपण का कार्य किया गया और यह अभियान आगे भी चलता रहेगा और वृहद रूप से इस अभियान को चलाया जाएगा। इस बीच संस्थापक श्री लालमन, प्रबंधक वेद मित्र गुप्ता, सचिव मंगलेश चतुर्वेदी, निदेशक लव रुद्र प्रताप, मीडिया प्रभारी जय किशन, जैकी दुर्गा प्रसाद, राजेश प्रजापति, संजय सिंह, वेदांश चक्रवर्ती आदि लोग उपस्थित रहे। रिपोर्ट नवल तिवारी, क्राइम रिपोर्टर, बांदा, एवीपी भारत न्यूज चैनल। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ललित कला फाउंडेशन द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। ललित कला फाउंडेशन की सोच वर्तमान में प्राकृतिक आपदाओं से मुक्ति के लिए यह है कि जो फलदार वृक्ष औषधीय उपयोग वाले वृक्ष हैं उनको अधिकाधिक लगाना और साथ साथ समाज को भी इस दिशा में प्रेरित करने का कार्य का लक्ष्य लिया गया है। उसी के तहत आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम लोगों ने शिशु मंदिर महोबा में, शिशु मंदिर बबेरू में नीम के वृक्ष को लगा करके शुभारंभ किया और आगामी समय पर एक पखवाड़ा में एक 15 दिन का एक कार्यक्रम हम विस्तृत रूप से करना चाहते हैं, जिसमें फलदार और औषधीय वृक्षों को अधिकाधिक लगा करके लोगों को संदेश देने का प्रयास करेंगे कि अपने पर्यावरण को बचाइए, तभी मानव जाति और हमारा देश सुरक्षित रहेगा, सुसंस्कृत रहेगा और आगे आने वाली पीढ़ियाँ स्वस्थ रहेंगी। धन्यवाद। विश्व पर्यावरण दिवस ललित कला फाउंडेशन के तत्वावधान में एक गोष्ठी हुई, उसके पश्चात सारे पदाधिकारियों ने मिलकर के औषधीय पौधों में नीम, तुलसी, पाकर, बरगद और पीपल ऐसे पौधों को लगाने का लक्ष्य लिया गया है। आगामी अगस्त के प्रथम सप्ताह पर ललित कला फाउंडेशन के द्वारा 1100 वृक्ष औषधीय एवं ऑक्सीजन युक्त पौधों को लगाने का लक्ष्य लिया गया है। आज की बैठक पर आज प्रतीकात्मक रूप से ललित कला फाउंडेशन के अध्यक्ष श्रीमान अशोक शिवहरे जी, प्रबंधक वेदमित जी, मीडिया प्रभारी अपने जय किशन जी, दुर्गा प्रसाद जी और चतुर्वेदी जी, अपने सभी पदाधिकारियों ने मिलकर के नीम का पौधा प्रतीकात्मक रूप से लगाया गया है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में गिलोय है, तुलसी है, आंवला है, बरगद है, नीम है, पाकर है, ऐसे वृक्षों को लगाने का लक्ष्य लिया गया है और अपने संपूर्ण क्षेत्र में हम लोग इसको लगाने का प्रयास करेंगे, जो हमको ऑक्सीजन और औषधि युक्त रहेगा।